सिर्फ उसको डरा के लिए होता है, मैं उसको मतलब नहीं होता है। मैं खुद ही दो दिन एवोकाडो भी लगाने वाले हैं। ये इसका फूल होता है, बहुत बड़ा फूल निकलता है इसका बाद में। कितने इसके हैं आपके पास? ये कुछ 20 लग चुका है, 20 हो रहा है हमारे, 50 जो मुझे इस पर फूल है। हाँ, 4 साल चुके हैं, फिर कोई 1.5 साल लगे हैं फल आने। उसके बाद से 20-25 साल एक बार लाएगा, 20-25 साल सारा टाइम लगेगा। जब कोई मेहनत अच्छी करेगा तो ये 12-13 महीने में इसको फ्रूटिंग आ जाएगी। कई बार एक साल में कितनी क्रॉप, कितने महीने में फ्रूट आ जाता है? हाँ जी मैम, मई महीने से शुरू। एक एक इनकम मैम और है इनकी, इन्होंने नर्सरी भी साथ में, मैंने नर्सरी भी तैयार की हुई है यहाँ पे। तो स्टाफ के जो मेरे कस्टमर हैं, जो मुझे जानते हैं दफ्तरों के, तो वो सभी मेरे को फ़ोन करते हैं। मैंने उनको पता ड्रैगन भी डाला लगाया हुआ है, वो मेरे से ड्रैगन का ऑर्डर देते हैं, उसकी वजह से थोड़ा हो रहा है। आपका मार्केटिंग बेटर हो जाएगा कोऑपरेटिव के उसमें ना। 40 सारी सब्सिडी मिलती है, हमें इधर है ही नहीं। लेकिन ये मैं खुद अपने पेमेंट पे लेके आया था, ये भी इसका ट्रायल किया, ये भी अच्छी ना, उसको चिड़ी को भी करंट लग जाएगा, लेकिन मरेगी नहीं वो यूरोप में। मैंने रुक सर, हाँ पे खेती नहीं होती। वी आर बिकमिंग बर्ड्स, ये हम बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नई स्कीम्स आई हैं और बहुत सारी फंडिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू अब कोऑपरेटिव्स के वेरियस प्रोग्राम्स के लिए दी जा रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस समय इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, कोऑपरेटिव्स बनानी चाहिए। और कोऑपरेटिव्स के सेक्टर में कोई लिमिट नहीं है, आप सिर्फ फार्मिंग नहीं, नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में भी आप बहुत बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स बना सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। कोऑपरेटिव्स बिजनेस मॉडल पर चलता है और एक जो कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर रहता है, जहाँ पे कुछ लोगों के पास जो मुनाफा जाता है और बाकी लोगों के पास नहीं जाता है, उससे ये बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें कलेक्टिव ओनरशिप है और कलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो जो प्रॉफिट कमाएगा कोऑपरेटिव, वो हर मेंबर को बेनिफिट करेगा, जितने मेंबर्स जुड़े होंगे उनको बराबर हिस्सा जो है उस प्रॉफिट में से मिलेगा। तो माताओं को, बहनों को खास तौर पे, और मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हमारे हैं, जो ये फील करते हैं कि वो अभी इकोनॉमी की मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए एक सुनहरी मौका है। और हमारी जो फेडरेशन बन गई है, तो जितनी भी हमारी माताएँ बहनें हैं जो दूर की डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, तो वो इस मूवमेंट के साथ जल्द से जल्द जुड़ें। हम खुद भी बहुत एफर्ट कर रहे हैं उनको जोड़ने के लिए, ताकि उनकी इनकम में इजाफा हो। कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़ें, चाहे डेयरी के मूवमेंट के साथ जुड़ें, चाहे फार्मिंग प्रोडक्शन के मूवमेंट के साथ जुड़ें, किसी भी तरीके की एक्टिविटी में कोऑपरेटिव्स के साथ जुड़ें, तो एम्पावर्ड होंगी, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगी, लीडरशिप स्किल्स क्रिएट होंगी और एक बेटर एंड ब्राइटर फ्यूचर फॉर द रूरल इकोनॉमी, मैं कहती हूँ, उसका जो रास्ता है वो कोऑपरेटिव्स के थ्रू सबसे ज़्यादा आसानी से निकाला जा सकता है।